Hello guys and welcome back to my channel जिसका नाम है English Lessons with Monn. So guys, मेरा नाम है Monn और मैं आपके सामने आज एक और chapter ला रही हूँ जिसका नाम है Reach for the Top Part 2. So क्या बोलने वाली थी, हाँ, और ये है आपकी book Beehive में से, हाँ Beehive ही है, ठीक है, sorry. So Reach for the Top Part 2 किस पे based है? Reach for the Top Part 2 based है मरिया शारापोवा पे, ठीक है. प्रोनंसिएशन बहुत अलग होता है बिकॉज शी इज़ फ्रॉम रशिया, ठीक है, और अपन इंडियन ढंग से प्रोनंस नहीं कर पाते, लेट इट बी. सो गाइस, सबसे पहले कैरेक्टर्स इन दिस पार्ट, इस पार्ट के अंदर कौन से कैरेक्टर्स मैंशन हैं. आप बोलोगे कि कैरेक्टर्स इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, बट वाई आई ऑलवेज मैंशन कैरेक्टर्स इन माई वीडियोज़. सो गाइज, ये इसलिए है कि आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि ये कैरेक्टर्स की बात हुई थी, इन कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन आ सकता है. कैरेक्टर स्केच आप लोगों के नहीं आते हैं बिकॉज यू गाइज आर नॉट इन 10th क्लास, ठीक है, बट कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू द कैरेक्टर्स आ सकता है. सो गाइज, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव प्रोवाइडेड दिस. सो कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारा जिनके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है, दैट इज मरिया शारापोवा, ठीक है. हर मदर यलीना शारापोवा, हर फादर यूरी शारापोवा. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मरिया शारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर. उनकी स्माइल में, उनके अटायर में, उनके एटीट्यूड में, उनकी पर्सनैलिटी में ही समथिंग डिफरेंट थी, ठीक है, कुछ बात हटके थी. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22nd August 2005 टू द वर्ल्ड नंबर वन पोजिशन इन वुमेंस टेनिस. इस डिफरेंट चीज ने, इन द सेंस इस डिफरेंट एटीट्यूड ने टूवर्ड्स द वर्ल्ड, टूवर्ड्स फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन द लाइफ, उनको वर्ल्ड्स नंबर वन पोजिशन इन वुमेन टेनिस पहुँचाया. कौन से दिन पर पहुँचाया? मंडे को. कौन सी डेट को पहुँचाया? 22nd August 2005. सो आप लोगों को ये चीज़ वर्ड टू वर्ड याद रखनी है कि कौन सी डेट थी, कौन सा दिन था, और अपने आंसरों में ये चीज़ डालोगे, आंसर के अंदर ये चीज़ लिखोगे, तो बहुत अच्छा शानदार इम्प्रेशन टीचर के सामने पड़ेगा कि भाई बच्चे को याद है. सो गाइज, ये चीज़ें याद रखनी है. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. उन्होंने ये चीज़ बोली है कि मुझे भी नहीं पता पड़ा कब मेरी लाइफ ने ऐसा यू टर्न मारा. सो नेक्स्ट, लिटिल मरिया हैड नो नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू द ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. उन्होंने अभी तक अपना 10th बर्थ थे, मतलब बर्थडे, ठीक है, व्हाटएवर. सो उन्होंने अभी तक अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था, मतलब अभी वो 10 साल की भी नहीं हुई थी, और उनके पापा के साथ वो कहाँ चली गई थी? US, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स. और वो वहाँ पे क्यों चली थी, क्यों गई थी? क्योंकि वो अपनी इस चीज़ की ट्रेनिंग लेना चाहती थी, टेनिस की ट्रेनिंग लेना चाहती थी, वो उसके अंदर बहुत अच्छा लेवल रीच करना चाहती थी. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम. और इस ट्रिप ने, इस जर्नी ने उनको स्टारडम और सक्सेस के रास्ते पे पहुंचाया. लेकिन 2 साल का सेपरेशन मरिया को अपनी मदर से फेस करना पड़ गया था, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. और जब बच्चा छोटा होता है, हर चीज़ के लिए मम्मी चाहिए, यार किस चीज़ के लिए मम्मी नहीं चाहिए, ठीक है. सो उनके लिए ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट थी. तब उनको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, क्या थी वो चीज़, कि दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस. हर चीज़ किसी ना किसी प्राइस पे ही मिलती है, वी हैव टू पे द प्राइस, और तभी वो हमको चीज़ मिलेगी. माने प्राइस माने सेक्रीफाइस, ठीक है, कि बेसिकली हमें कुछ कुछ चीज़ों में सेक्रीफाइस करना पड़ता है जिससे हम सक्सेस पे पहुंच सके. तो मरिया ने ये चीज़ बोली कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि टेनिस एक्सेलेंस, मतलब मैं टेनिस के अंदर एक्सेलेंस कब रीच करूँगी, जब मैं कोई प्राइज उसके लिए पे करूँ. सो आई हैव टू पे अ प्राइज, ठीक है. शी यूज टू गो टू बेड एट 8 PM. उस ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे वो रात में 8 बजे अपने पलंग पर चल जाती थी सोने, जबकि उनके सीनियर्स और उनके कलीग्स, आप लोग बोल सकते हो, वो 11-11 बजे जाते थे. बट शी यूज टू गो टू बेड एट 8 PM onwards. So guys, that toughness run through Maria even today. उनके अंदर that was there was something powerful in her, और आप लोग बोल सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत, मतलब strong, वो आज भी उनके अंदर
प्रेजेंट है. इट वॉज द की टू हर बैगिंग द लेडीज सिंगल क्राउन एट विम्बलडन इन 2004. और इसने उन्हें एक ट्रॉफी दिलाई थी, ठीक है, लेडीज सिंगल्स क्राउन एट विम्बलडन इन 2004 के अंदर, ठीक है. वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया. अब यहाँ पे साइबेरिया क्यों लिखा, क्योंकि उनकी बिलोंगिंग कहाँ से थी, साइबेरिया से बिलोंगिंग थी उनकी, तो जगह आपको याद रखनी है कि वो कहाँ की थी, साइबेरिया रशिया, ठीक है. फॉर द यंगेस्ट हर्सल्स दैट अपियर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट. उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई थी कि मेरे फीलिंग्स, मेरे सेंटिमेंट्स की इधर कोई कदर नहीं है, मुझे मेरे लिए खुद ही सोचना पड़ेगा, बेसिकली मुझे सेल्फिश होना पड़ेगा, ठीक है. और इस स्ट्रेट आंसर्स ने, मरिया के स्ट्रेट आंसर्स ने कि मुझे हर चीज़ एक सेक्रीफाइस पे मिलेगी, ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि उनके सारे सेक्रीफाइस वर्थ इट थे. वर्थ इट माने कि मतलब उन्होंने जो भी सेक्रीफाइस करा उनको उसके बदले में बिल्कुल अच्छा, मतलब अच्छा रिजल्ट मिला बेसिकली. हाँ ठीक है गाइज, आगे. अब जैसे हर एक लड़की की हॉबीज होती है, मरिया की भी एक वो पर्सन थी, उनकी भी हॉबीज थी. क्या हॉबीज थी, उन्हें भी फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग पसंद था. फैशन हर लड़की को पसंद होता है भाई साहब, सिंगिंग एंड डांसिंग. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, ठीक है. उन्हें इनकी नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद थी, इस राइटर की. गाइज ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे आपको याद रखना है, ठीक है. जैसे ये ऑथर का नाम, कि उनको कौन से ऑथर की पसंद थी, उनकी तीन हॉबीज आपको याद रखनी है, उनको खाने में क्या पसंद था, उनको खाने में क्या पसंद था, पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड टिजी ऑरेंज ड्रिंक्स. किसको नहीं पसंद है यार, सबको पसंद आता है, तो ये तो आप याद रख ही सकते हो. उसके बाद में आपको वो डेट याद रखनी है, कौन सा दिन था, मंडे 22 अगस्त 2005 था आई गेस, ठीक है. और उसके बाद में उनको वो क्राउन कौन से ईयर में मिला था, 2004 के अंदर. और क्राउन का नाम याद रखना है पूरा अच्छे से, ठीक है. अब उनका एक मंत्र था, ठीक है, अपन सबके मतलब वो वाला मंत्र नहीं, भूत प्रेत वाला, नहीं 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 वो नहीं, ठीक है. उनका मंत्र था मंत्र फॉर सक्सेस. वो क्या था, अपने आप को हिम्मत देना, अपने आप को मोटिवेट करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आप लोग को भी करना चाहिए. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ, कॉम्पिटिशन हूँ लोगों का. आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, मैं जो भी काम करूँगी या मैं जो भी काम कर रहा हूँ या करती हूँ, मैं उसके अंदर क्या करूँगी, वर्क हार्ड, मेहनत करूँगी. इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है कि मैं उसके अंदर क्या करूँ, मेहनत करूँ. सो गाइज आप लोग को भी ये चीज़ याद रखनी चाहिए, आप कुछ भी करो बस हार्डवर्क करो. सो शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज. पिजन होल्ड आपकी बुक के अंदर भी मैंशनड है, माने ओवर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी. वो ऐसे ओवर रिस्ट्रिक्टेड पर्सन नहीं थी, ठीक है. हर टैलेंट, अनवेविंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. उनके टैलेंट ने उनको टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड रीच मतलब पहुँचाया था. गाइज एक चीज़ और जो शायद आपके इसके अंदर नहीं मैंशन है, मैं बता देती हूँ. शारापोवा को ये चीज़ बोली गई थी कि तूने मनी के लिए ये काम किया है, मतलब पैसे के लिए तूने टेनिस के अंदर तू गई है, मनी माइंडेड. तो उन्होंने इस चीज़ का आंसर दिया था कि यस, मनी इज़ अ मोटिवेशन, मनी मेरे लिए मोटिवेशन है, दैट आई हैव टू अर्न मोर एंड मोर मनी. अपन सबके दिमाग में रहता है यार ये चीज़, ठीक है. सो उन्होंने बोला मनी मेरा मोटिवेशन मोटिवेशन है, बट मेरा डिज़ायर था, मेरे ये चीज़ क्या कहते हैं, बहुत इच्छा थी मुझे कि मैं टेनिस के अंदर कुछ करूं, और हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ. सो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करती थी, और ये चीज़ आपके बुक के अंदर बहुत अच्छे से मेंशन है. आप लोग इस वीडियो के बाद पूरा चैप्टर ज़रूर पढ़ना. एक और चीज़ गाइज, उनसे एक सवाल किया था कभी किसी ने कि क्या वो US के लिए खेलेंगी कि रशिया के लिए खेलेंगी, ठीक है. तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि मैं रशिया के लिए खेलूंगी इफ़ दे वॉन्ट मी टू, ठीक है. मेरे अंदर रशियन ब्लड है, ऑफकोर्स US मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बट रशियन मेरा ब्लड के अंदर है, रशिया मेरे ब्लड के अंदर है. सो इफ़ दे वॉन्ट, अगर वो चाहेंगे कि मैं रशिया के लिए खेलूँ, सो आई विल प्ले फॉर रशिया. ये उनके कुछ लास्ट वर्ड्स थे. दिस कम्प्लीट योर चैप्टर, और ये आपके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर में से हैं. सो गाइज दिस एंड्स विथ माई वीडियो. Please, if you like the video, please do like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.